ये हैं कुछ चीजें जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। कार में पानी की बोतल भूलना। कार के अंदर पानी भरी हुई बोतल छोड़ना आपके द्वारा हुई एक बेहद बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि जब लिक्विड से भरी एक बोतल सनलाइट के संपर्क में आती है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है। अंदर भरा हुआ लिक्विड और बोतल का क्लियर मटेरियल मिलकर एक फोकस बीम क्रिएट करता है जिससे आग पैदा हो सकती है। बता दें, हमारा मकसद आपको डराना कतई नहीं है। इस तरह की घटनाएं बेहद आम होती है, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी एक घटना अमेरिका में डियोनी अमुचेतेगुई नामक एक व्यक्ति के साथ हुई। जब वो बाहर लंच ब्रेक पर था तो उसने अपने ट्रक के अंदर से धुआं आते हुए नोटिस किया। वजह थी पानी की बोतल। एक्सपर्ट्स के अनुसार 99 डिग्री सेल्सियस तापमान ही काफी रहता है एक कार सीट में छेद करने के लिए, यानी कि कार से बाहर निकलते समय आपको अपनी पानी की बोतल भी निकाल लेनी चाहिए। टॉयलेट सीट पर ज्यादा देर तक बैठना। टॉयलेट सीट का उपयोग शहरी जीवन में बहुत बदल गया है। कुछ लोग टॉयलेट में सुबह के समय अखबार पढ़ते हैं तो कुछ टॉयलेट में फोन का यूज करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं पता कि टॉयलेट सीट पर ज्यादा देर बैठना सेहत को कितना नुकसान पहुंचाता है। जो शख्स 10 मिनट से ज्यादा देर तक फोन लेकर कमोड पर बैठे रहते हैं उसे हेमरॉइड यानी पाइल्स या बवासीर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यानी आप जितने देर ज्यादा टॉयलेट में फोन यूज करेंगे उतनी देर ज्यादा तक कमोड पर बैठे रहेंगे, जिससे एनस और लोअर रेक्टम की मांसपेशियों और नसों पर प्रेशर बढ़ने लगता है और पाइल्स का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही टॉयलेट में ज्यादा देर तक बैठे रहने से बाउलिंग मूवमेंट में खराबी आने लगती है, जो कब्ज का कारण बन जाती है। ऐसे में अगर आप कब्ज और पाइल से बचना चाहते हैं तो खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा दीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, रोजाना एक्सरसाइज करें, और भाई सबसे बेस्ट तरीका ये है कि टॉयलेट जाते वक्त अपने फोन को बाहर ही छोड़ दें। हालांकि हमें पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक आग पर पानी डालना। जब भी कहीं आग लगी हुई दिखाई दे तो हर किसी के दिमाग में जो चीज सबसे पहले आती है वो है पानी, क्योंकि पानी डालने से आग बुझ जाती है। हालांकि हर बार सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, कई बार आग पर पानी डालना बेहद घातक हो सकता है। यहां हम बात कर रहे हैं ऐसे हालातों की जिनमें आग लगी हो इलेक्ट्रिक उपकरणों में, जैसे कि घर में पड़े टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिक आयरन व अन्य विद्युत उत्पाद। इस तरह की आग लगने पर पानी की गलती भूल से भी ना कीजिएगा। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले घर की बिजली काट देनी चाहिए, उसके बाद मुमकिन हो तो डिवाइस को प्लग से अलग कर दें जिसमें आग लगी हो। साथ ही उस उपकरण को आप ऊनी कंबल से कवर कर दें जिससे ऑक्सीजन में कमी होगी और आग बुझ जाएगी। अन्य विकल्प में आप इस आग को मिट्टी या लॉन्ड्री डिटर्जेंट डालकर भी बुझा सकते हैं। मोबाइल के साथ सोना। दिन हो या रात, हमारा फोन कभी भी हमसे ज्यादा दूर नहीं होता। यकीनन फोन हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके चलते आपको अपने मोबाइल के साथ सोना नहीं चाहिए। जिनमें पहला कारण है मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट, जो कि टैबलेट्स, टीवी और अन्य एलईडी स्क्रीन वाले उपकरणों में से भी निकलती है। अध्ययनों से पता चला है कि ब्लू लाइट आपके शरीर में नींद आने में सहायक मेटाटोनिन नामक हार्मोन के उत्पादन को रोकता है। इससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक पर असर पड़ता है और आपको नींद आने का कोई निश्चित समय नहीं रह जाता। साथ ही जब आप अपना मोबाइल अपना करीब रखकर सोते हैं तो आपका माइंड सबकॉन्शियस लेवल पर अलर्ट रहता है, नतीजतन आप गहरी और अच्छी नींद नहीं ले पाते। इससे हाई स्ट्रेस लेवल, सरदर्द, इंसोम्निया, दैनिक जीवन में थकान और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसके अलावा बिस्तर पर मोबाइल रखकर सोना सीधे तौर पर आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि चांसेस है कि मोबाइल में आग लग सकती है। जी हाँ, सेलफोन्स में आग लगना कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर में बहुत से फायरमैन्स ने अपने करियर में बिस्तर का चार्जर लगे मोबाइल में आग लगने से घरों को जलते देखा है। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को आप बिस्तर पर चार्ज न लगाएं तो ये अच्छा है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।